राम राम। नई वीडियो और नई गाड़ी। ये गाड़ी भाई आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है। ये और किया सेल्टोस, एक क्रेटा का फेसलिफ्ट जब से आया ना तो भाई इसकी ही बात है हर जगह। कई लोग ई ले रहे हैं, ई प्लस भी ले रहे हैं। भाई जो ये मॉडल खड़ा है ना भाई, ये खड़ा है SO आज भाई। ये इतना वैल्यू फॉर मनी लगा ना मुझे भाई, बिल्कुल नो डाउट इस गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टॉप मॉडल में ना हो। अगर आपको एक वो चाहिए ना कि जो बाहर से जिसको काम नहीं छिड़वाना, और भाई सारे फीचर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी में, ठीक है, और सारी चीज़ मिल रही है। आप इसकी साइड लुक्स देखोगे ना भाई, ये देखो, ये कंपनी फिटेड 17 इंच के अलॉय मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। और नो डाउट पर्सनली भाई मेरे को जो टॉप मॉडल में जो डायमंड कट आए ना उससे प्यारे लगे। ये ब्लैकआउट दे रखा है इन्होंने, बहुत प्यारा है। साइड में जाओगे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है इसमें, आप आओगे, ठीक है। फिर पीछे से हम बात करेंगे तो इसमें डीफॉगर भी दे रखा है, वाइपर भी दे रखा है इस ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे बस क्रेटा की बैजिंग है, एस की कोई बैजिंग नहीं है, ठीक है। इसमें LED सेटअप दे रखा पूरा कनेक्टिंग, वो तो भाई बेस मॉडल से ही आ रहा है, जिसमें इंडिकेटर वो हेलोजन दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम बूट की बात करें तो बूट स्पेस तो वही मिलता है। टायर साइज की बात करें तो भाई इसमें स्टेपनी में 16 इंच का दे रखा है, और जो हम इसकी बात करते हैं अपना इस टायर साइज की, ये 17 इंच का टायर जो बिल्कुल टॉप मॉडल में आ रहे हैं। JK के टायर दे रही है कंपनी, और अपोलो के, इन दो कंपनियों के आ रहे हैं। इधर भाई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, जो क्रेटा के टॉप मॉडल में भी नहीं है इधर, ठीक है। प्लस में आप देखोगे तो ई प्लस तक यहाँ पे फेंडर पे दे रखा है आपको इंडिकेटर, भाई इसमें नहीं दे रखा। यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट दे रखी है जो प्रॉपर टॉप मॉडल में आती है। आपको मैं जला के दिखाता हूँ एक बारी कि लाइट का सेटअप कैसा आ रहा है इसका। लाइट का सेटअप आप देखो एक बारी, ये अभी पार्किंग में लग रही है। एक बार और क्लिक करके चालू करके दिखानी पड़ेगी, जब ये चालू होएगी इसको पार्किंग लाइट ऑन होएगी ना जब आएगी ये। अभी ये शिपिंग मोड में भी है ना तो फर्क रहता है भाई बहुत ज्यादा। अब हम आते हैं इस पे, ऑटो पे दे रखी है लाइट, और लाइट अब DRL ऑन कर दी। ये देखो यहाँ पे DRL ऑन है, ठीक है। ये क्वाड लाइट दे रखी है यहाँ पे जो टॉप मॉडल में आ रही है, ठीक है। ये कनेक्टिंग लाइट जो इसमें चल रही है, जो इससे नीचे वाले वेरिएंट है उसमें ये लाइट नहीं दे रखी, यहाँ पे क्रोम लगा के दिया जा रहा है इस पे। प्लस में आप देखो कि यहाँ पे 360 कैमरा नहीं मिल रहा आपको, पर रिवर्स कैमरा मिल रहा है इसमें। इंडिकेटर देखो भाई, आपको पूरे हेलोजन मिल रहे, सिक्वेंशियल नहीं मिल रही इसमें। ये बात थोड़ी सी ठीक है, बस वैल्यू फॉर मनी है बट ये वेरिएंट। फिर प्लस में हम इसमें अंदर से बात करते हैं तो पीछे से हम देखते हैं पहले पीछे क्या दे रहे हैं हमें इस वेरिएंट में। भाई इसी वेरिएंट से आपको सनशेड मिलते हैं इसमें, जैसे सेल्टोस में तो चलो बेस में दे रहे हैं पर इससे इसमें चालू कर रहे हैं, पर सेल्टोस और इसमें बहुत फ़र्क है इस चीज़ में, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसका ऐसा कुछ कॉकपिट दिखता है पीछे से। टॉप मॉडल का आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा मेरी वीडियो टॉप मॉडल वाली तो भाई जाके देख लेना, मेरे चैनल पे डली हुई है। अब पीछे बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट दे रखी है भाई, वाइट लाइट दे रखी है, हेलोजन नहीं दे रखी SO में। यहाँ पीछे अपने वो दे रखे हैं AC वेंट्स, सी टाइप दो दे रखे हैं भाई। यहाँ फ़ोन रखने का मैगजीन होल्डर इधर नहीं है, इधर दे रखा है, ठीक है। बोतल होल्डर दे रखा है। प्लस में अब अगर हम यहाँ बात करें तो हेडरेस्ट वही दे रखे हैं यार, बीच वाला नहीं दे रखा। यहाँ पे आर्म रेस्ट दे रखा है, तो अभी भाई शिपिंग मोड पे किसी और की गाड़ी होगी, क्यों पन्नी फाड़नी अभी बेचारे की। और अगर हम आगे की बात करें तो भाई मेरे को जो इसका आगे का इंटीरियर लगा ना भाई, बेस्ट लगा। मैं कह रहा हूँ बाहर से कुछ छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इधर बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक सीट नहीं दे रखी, पर लेकिन वो चलेगा एक टाइम के बाद भाई, चलती है वो चीज़, क्योंकि आज की डेट में ना अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक चल रही है बहुत ज़्यादा, पर लेकिन उसको ना वो दिक्कत हो जाती है उसमें कि काम करना बंद कर दिया है, सो चीज़ है उसमें। जैसे मेरी MG में भी हो रखा है, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो वन टच डाउन ये नहीं दे रखा, एक तो ये बात थोड़ी मेरे को अजीब लगी, वन टच डाउन इन्होंने देना चाहिए था, ठीक है। ये यहाँ पे मैग्नेट दे रखा है जो शुरुआत में ही आ रहा है इनका, यहाँ मैग्नेट है। प्लस में भाई आपको एक चीज़ दिखाऊँ भाई, हुंडई की बात मैं मान गया, डुअल जोन इसी दे रखा है। और आप ये मानोगे कितने की पड़ रही है गाड़ी, ये गाड़ी पड़ रही है अराउंड 17 लाख की,
पहले तो भाई इसमें SX आ जाता था उस रेंज में, SX ऑप्शनल भी आ जाता था पेट्रोल में, ठीक है। पर लेकिन अगर उसी रेंज में अगर आप देखना चाहते हो ना, ये गाड़ी बढ़िया है, बेस्ट। अगर आप देखो स्टीरियो वही दे रखा है जो पहले आता था, इंफोटेनमेंट, बस कनेक्टिंग दे रखी है, यहाँ पे पियानो फिनिश दे रखी है, मैट फिनिश जो आती है, ठीक है। मीटर भाई बेस से यही आ रहा है। ORVM की बात करें तो भाई एडजस्टेबल है, ये वो वाला नहीं है ऑटो डिमिंग वाला। अब भाई जो मेरे को इसकी एक बात लगी भाई, सनरूफ भाई देख रहे हो, सनरूफ इसी वेरिएंट से आता है, इसको हम खोल नहीं रहे किसी वजह से भाई। एक तो ऊपर ये पेपर लग रहा है ताकि भाई गाड़ी ख़राब ना हो, सनरूफ को खोल नहीं सकते। बट इसी वेरिएंट से आपको सनरूफ मिलता है, यहाँ लाइट मिलती है, ठीक है। इधर भाई आपको सनग्लास होल्डर। अब वैनिटी की बात कर लेते हैं, इसमें भाई वैनिटेड मिरर नहीं दे रहा, इधर मिरर दे रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे भाई पियानो की फिनिश देनी इस मॉडल से ही चालू है, जो ये वाला पार्ट जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में भाई, इसी उससे चालू है, ठीक है। अब ग्लव बॉक्स की बात करें, कूल्ड ग्लव बॉक्स इसी में दे रखा है चालू। जो चीज़ फीचर जो है ना मेन, वो इस मॉडल से चालू है, और कोई मॉडल फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ भाई कंट्रोल नहीं दे रखा है, यहाँ छोटी सी स्पेस दे रखी है, मेरे को समझ नहीं आया वो किस चीज़ की दे रखी है। टाइप सी दे रखा है, USB दे रखा है, और 12 वोल्ट का दे रखा है। यहाँ पे भाई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ये मैनुअल वेरिएंट है, ठीक है। यहाँ पे अपना कप होल्डर वही, ग्लव बॉक्स वही, ठीक है। ग्लव बॉक्स में भी कोई ऐसा पोर्ट नहीं दे रखा। प्लस में भाई इसके स्पीकर भी अच्छे मैंने सुने, ठीक है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम तो इसका बहुत ही अच्छा है अगर आप देखो, क्योंकि ये जो था ना, जो पहले E+ में आता था, मेरे ख्याल से E+ या EX में ही ये चालू हुआ था, जो पहले वाली क्रेटा आती थी। स्टेयरिंग कंट्रोल दे रखे हैं भाई, वॉइस कमांड भी दे रखा है, ठीक है। वो ऑन करना पड़ेगा एप्पल कार प्ले या कुछ कनेक्टेड हो। क्रूज़ दे रखा है इंफोटेनमेंट के, यहाँ से आप कर सकते हो अपना जो ओडोमीटर का वो है पूरा, ठीक है। ट्रिप पेड और माइलेज सिंस लास्ट रीसेट ये है। सेटिंग है ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर चेंज कर सकते हो भाई इसमें, ठीक है। क्लस्टर भी चेंज होता है, अगर आप ओके पे जाओ क्लस्टर की थीम अगर आप चेंज करना चाहो ना भाई, इसको आप रेड कर सकते हो और इसको ग्रीन कर सकते हो, जैसे मोड की टाइप है ये एक तरीके से, अगर देखा जाए ना जिसका मन करे क्लस्टर को चेंज करने को, क्लस्टर चेंज कर सकता है इससे, ठीक है अभी। और इसमें ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं इसी वेरिएंट से भाई, ऑटो इसमें आ रहे हैं, ऑटो पे करा ओके, ठीक है भाई। वो ये अपना यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है, वो तो है नहीं, ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल्स। और तो भाई इस वेरिएंट में भाई इतना वैल्यू फॉर मनी है ना ये वेरिएंट, जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को ये गाड़ी से इतना वो हो गया कि बेस्ट गाड़ी लगी मेरे को, अगर इसका देखा जाए ना इस वेरिएंट में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ रखी कि जो बाहर से। ट्विटर्स भी दे रखे हैं भाई, अगर आपको देखो ना ट्विटर्स भी दे रखे हैं। एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले भी आ रहा है इसमें करेक्टिंग, ठीक है। और प्लस में अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी भाई जो अपने JMV हुंडई है ना, जहाँ मैंने लास्ट अपनी शूट करी थी, वहीं से मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे स्टॉक यार्ड में खड़ी भी हुई है, अभी मैं स्टॉक यार्ड में ही खड़े होकर बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे खड़ी भी हुई है, किसी भी भाई को गाड़ी लेनी हो, इंटरेस्टेड हो ना, यहाँ पे आके भाई कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भाई मैं नंबर डाल दूंगा भाई का, ठीक है। JMV का एड्रेस भी डाल दूंगा। ये स्टॉक यार्ड में 2-3 गाड़ियाँ कम से कम इन पर अवेलेबल है क्रेटा की, आपको मिल सकती है। और जिससे पहले वेरिएंट भी आता था भाई, 1-2 मॉडल वो भी खड़े हैं। अगर आपको कोई भाई लेना चाहता हो ना क्रेटा पुराने वाली भी, इससे पहले जो फेशिया आता था, कईयों को वो भी पसंद है, वो भी लेना चाहता हो तो वो भी ले सकता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, चैनल को ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर लो।